रामेश्वरम की कल्पना कर लीजिए कि शिव जी हैं बीच में, सामने राम जी पूजा कर रहे हैं, दाहिनी ओर हनुमान जी झुके हुए हैं, सामग्री देने की मुद्रा में हैं, बाईं ओर लक्ष्मण जी सावधान मुद्रा में हैं। 200 फीट सामने एक और मंदिर है, इसमें अशोक वाटिका सीता जी विराजमान हैं। ये रामेश्वरम पूजा हो रही है सीता जी को लंका से यहाँ वापस लाने के लिए, अयोध्या वापस लाने के लिए। हाँ, इसमें 12 मंदिर हैं, 12 शिखर तो ये हुए। इसके अलावे ये गोपुरम का शिखर है, 13 शिखर है। गोपुरम में हो सकता है 2 शिखर और बढ़ाए जाएं तो 15 शिखर हो जाएंगे। हमारे पास इतनी ज़मीन है कि मंदिर बन जाएगा, लेकिन ज़मीन की समस्या या उस क्षेत्र की समस्या चलती रहती है, लेकिन अब काम नहीं रुकेगा, काम अब नहीं रुकेगा। बहुत लोगों ने सहयोग किया है, तो ज़मीन दान दी है मंदिर के लिए, या ज़मीन बेची भी है, या बदलेन भी की है। इन सब के प्रति हम आभारी हैं, सबके प्रति हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा धर्म स्तंभ बना करके सबके नाम उत्कीर्ण किए जाएंगे, जो दाता हैं उनको कुछ अधिक प्रमुखता के साथ दिखलाया जाएगा, जो बेचने वाले हैं उनको कम प्रमुखता से दिखलाया जाएगा। इन सबके नाम अंकित वहाँ रहेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग भी, हाँ, जिन लोगों ने दिया है, हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है। उन लोगों के 2 तरह के सहयोग हैं, एक ज़मीन भी दान में दी है, और शुरू में भी जो ज़मीन की कीमत थी वो सबसे पहले सबसे सस्ते दर पर ज़मीन देने की पहल उन लोगों ने की थी, इसलिए हम उनके प्रति आभारी हैं। उन लोगों का भी नाम रहेगा? हाँ, उनका भी नाम रहेगा। जो ज़मीन देगा तो हम लोग कोई इस संप्रदाय धर्म जाति के आधार पर कोई भेद नहीं रखते। हनुमान जी की इच्छा हुई कि महावीर मंदिर पटने में है, तो सुखपूर्वक भक्तिपूर्वक श्रद्धा से लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वहाँ संकीर्ण स्थान में है, 10 कट्ठे के भूखंड में है। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि विराट रूप धारण किया जाए, विराट स्थल। इसके लिए हम लोगों ने उनका स्थान चुनने का बहुत प्रयत्न किया। फिर हनुमान जी की जहाँ इच्छा हुई घूमते घामते वो यहाँ पर आ गए। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि भारत सरकार जो अयोध्या से जनकपुर राम सीता पथ बना रही है, वो अपने इस मंदिर से विराट रामायण मंदिर का स्पर्श करते हुए वो पथ आगे जा रहा है, घूमता रहा, अंत में यहीं पर लग रहा है कि यहीं पर विराजमान सब लोगों के। अभी ऊंचाई में 270 फीट, चौड़ाई में 540 फीट, लंबाई में 1080 फीट, यानी 270 का दुगुना 540, 540 का दुगुना 1080, 9 के गुणक सब अंक हैं, तो बन रहा है। अभी जो सबसे बड़ा मंदिर है अंकुरवाट 222 फीट, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर 220 फीट, और हम लोगों का 270 फीट मंदिर बन रहा है। इसके अलावे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो अभी है वह बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में चूल राजाओं का बनाया हुआ 27 फीट 8 इंच का है, हम 33 फीट ऊंचा और 33 फीट गोला शिवलिंग बना रहे हैं। ये ब्लैक ग्रेनाइट का बन रहा है, जो कन्याकुमारी के पास से खरीद करके महाबलीपुरम में जहाँ ये सब बनते हैं, चेन्नई के पास है, वहाँ ये बन रहा है। करीब 250 मेट्रिक टन का वजन था, जिसे कन्याकुमारी से महाबलीपुरम भेजा गया है, और मुझे लगता है 250 मेट्रिक टन होगा जब शिव जी सहस्रलिंगम के रूप में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उन पर विराजमान होंगे, उनके साथ यहाँ पर आएंगे। पहले इस देश में 800 ईस्वी तक जो शिवलिंग बनते थे उन पर या तो 108 छोटे लिंग या 1008 छोटे लिंग बनाए जाते थे। 800 ईस्वी के बाद ये परंपरा बंद हो गई थी।